पूरे देश के साथ रीवा जिला भी आजादी की अमृत महोत्सव में डूबा हुआ है। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट कार्यालय से जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल बाइक रैली निकाली गई। इसी क्रम में कलेक्ट्रेट कार्यालय से जिला प्रशासन द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। यह रैली वैजू धर्मशाला से होते हुए SF चौराहा की तरफ से निकलकर पूरे रीवा शहर का भ्रमण करेगी। रैली का उद्देश्य लोगों में अपने अपने घरों में तिरंगा झंडा फहराने के लिए जागरूक करना है। रैली को कलेक्टर मनोज पुष्प ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस रैली में ADGP KP वेंकटेश्वर राव, संभागायुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कमांडेंट साकेत पांडे, DIG मिथिलेश शुक्ला, जिला पंचायत CEO स्वप्निल वानखेड़े सहित जिले भर के अधिकारी कर्मचारी पुलिस बल शामिल रहे। आइए सुनाते हैं रैली में शामिल लोगों ने क्या कहा है। उद्देश्य तो जैसा हम लोग प्रतिदिन बात कर रहे हैं लगातार, प्रत्येक घर में तिरंगा लगे, प्रत्येक प्रतिष्ठान के ऊपर तिरंगा लगे, और जो हर घर तिरंगा है इसमें रीवा जिला में कोई भी परिसर, चाहे वो आवासीय हो, वाणिज्यिक हो या शासकीय बिल्डिंग्स हो, कोई भी बिना तिरंगे के लहराता हुआ ना दिखे, यही उसका उद्देश्य है। और इस कोशिश में हम लोग लगातार हर वर्ग के लोगों के साथ इस तरह के जन जागरूकता की रैली कर रहे हैं। आज सभी लोगों के साथ शासकीय और अशासकीय एक बड़ी विशाल रैली की गई है। इस रैली के माध्यम से हम लोग रीवा के जो कुछ ऐसे स्थानों पर जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से हम लोग गोविंदगढ़ किले पर जाएंगे और गोविंदगढ़ किले के बाद फिर वाइट सफारी मुकुंदपुर जाएंगे और वहाँ से फिर वापस यहाँ आएंगे रीवा में। इसमें पुलिस के, SAF के, सरकारी रेवेन्यू के, जनपद के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, NGO के लोग, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के जो लोग हैं वो सभी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, और इस माध्यम से हम लोग हर घर तिरंगा का जो अभियान है उसको ज़िले में 100% सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, इस रैली का मात्र ये उद्देश्य है कि हमारा समाज जागृत हो और हर घर में तिरंगा फहरे। ये हमारे माननीय मोदी जी ने इस 75वें वर्ष को जो है अमृत महोत्सव का नाम दिया है, और इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से हो सके और घर घर में तिरंगा लहराए, ये हमारा उद्देश्य है। ये जो रैली है ये बैजू धर्मशाला से लेके आपका SF चौराहा होते पूरा रीवा शहर का भ्रमण करेगी। इसमें जो है माननीय कलेक्टर साहब, SP साहब हैं हमारे, और मंत्री जी हमें आगे हमारा स्वागत करेंगे।